शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए आमिर खान ने ले लिया था रिटायरमेंट का फैसला। अगर किरण ना होती तो आमिर की आखिरी फिल्म साबित होने वाली थी लाल सिंह चड्ढा। जी नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सनसनीखेज खुलासे खुद आमिर खान ने किए हैं। खुद आमिर ने माना है कि वो जिंदगी के ऐसे दोहराहे पर आ गए थे जहां उन्हें परिवार और करियर में से किसी एक को चुनना था, और उन्होंने परिवार को चुनकर फिल्मों से रिटायरमेंट लेने का मन बना लिया था। आमिर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कई बातों का खुलासा किया है। पिछले साल जून में पत्नी किरण से तलाक का ऐलान करने के बाद से ही आमिर खान की निजी जिंदगी लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। फैंस ने भी आमिर खान पर तमाम तरह के सवालों की झड़ी लगा दी है, और अब एक हालिया इंटरव्यू में आमिर ने कई सवालों के जवाब दिए हैं और कई खुलासे भी किए हैं। आमिर ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान उनके करियर में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने फिल्मों को छोड़ने के बारे में सोचा, क्योंकि ये उनके निजी जीवन को प्रभावित कर रहा था। आमिर खान ने बताया कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अपनी सारी ऊर्जा को अपने काम पर ही लगा रहे थे और अपने परिवार, खास करके अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं एक अभिनेता बना तो मैंने अपने परिवार को हल्के में लिया और सोचा कि वो तो मेरे साथ है ही, और मैं दर्शकों का दिल जीतने के लिए एक सफर पर निकल गया। मैं 30-35 साल से इसी तरह से काम कर रहा था, जिस वजह से अपने परिवार को मैं समय नहीं दे पाया। आमिर खान अब ये भी मान रहे हैं कि वो भले ही बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट हों, लेकिन वो एक परफेक्ट पिता नहीं बन पाए, और जब उन्होंने अपनी भूल को सुधारने की कोशिश की तो सिनेमा से दूर जाने का मन बना लिया। इस बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा कि मुझे लगा कि सिनेमा ही मुझे मेरे परिवार से दूर ले गया। मैंने अपने परिवार से कहा कि अब मैं एक्टिंग ना करके फिल्मों का निर्माण करूंगा और आपके साथ रहूंगा। मेरा परिवार इस बात को जानकर हैरान था। मेरे बच्चों और किरण जी ने मुझे समझाया कि मैं गलत काम कर रहा हूं। किरण काफी भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि फिल्म मेरे अंदर रहती है, इसलिए पिछले दो साल में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया और फिर मैं वापस भी आ गया। बता दें कि अब दो शादियां टूटने के बाद आमिर खान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर खान ने खुलासा किया है कि वो उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया है। वहीं बीते दिनों में कई बार आमिर खान को अपने बच्चों के साथ डिनर या फिर लंच आउटिंग पर जाते हुए स्पॉट किया गया है। हाल ही में आमिर खान ने अपने घर पर अपने जन्मदिन की पार्टी भी होस्ट की थी, जिसमें उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता भी खास तौर से शामिल हुई थी। वहीं आमिर की बेटी आयरा खान ने भी अपने पापा के स्पेशली कस्टमाइज केक की झलक सोशल मीडिया पर दिखाई थी। जुनैद हो या आयरा या फिर बेटे आजाद, आमिर अपने बच्चों के साथ अब ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हैं और एक परफेक्ट फैमिली मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।